MEI डेंटल केयर दांत का अस्पताल बीबी प्लाजा के बगल में हाजी इमाम कॉम्प्लेक्स मेन रोड गढ़वा। संपर्क करें 9162943073। नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार। भवनाथपुर से संवाददाता अयोध्या कुमार की रिपोर्ट। प्राथमिक शिक्षक संघ भवनाथपुर इकाई के तत्वाधान में आज उच्च विद्यालय भवनाथपुर के प्रशाल में कितार खरौंदी और भवनाथपुर के शिक्षकों की बैठक जिलाध्यक्ष श्री कमलेश्वर पांडे के नेतृत्व में आयोजित की गयी। इसमें शिक्षकों के विभिन्न मांगों यथा सेवा संतुष्टि, शिक्षकों की प्रोन्नति, योजना मद से गैर योजना मद, वाणिज्य शिक्षकों की प्रोन्नति, अनुकंपा शिक्षकों की विभिन्न ग्रेड में प्रोन्नति आदि के साथ साथ 17 दिसंबर को राज्य में आयोजित धरना प्रदर्शन कार्यक्रम को सफल बनाने की चर्चा की गई। अध्यक्ष श्री कमलेश्वर पांडे ने नए समय सारणी की अधिसूचना संख्या 2144 दिनांक 2 नवंबर 2021 के द्वारा पदाधिकारियों ने शिक्षकों पर दमनात्मक कार्यवाही शुरू की है। इसके विरोध स्वरूप हम सभी चट्टानी एकता का परिचय देते हुए रांची चलें एवं कार्यक्रम को सफल बनाने पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। कार्यक्रम को श्री मृत्युंजय दुबे, जिला सचिव श्री सतीश कुमार चौबे, श्री राजीव रंजन द्विवेदी, खरौंदी प्रखंड अध्यक्ष श्री राजा राम सिंह, केतार के शिक्षक श्री धर्मनाथ पासवान, श्री कामेश्वर विश्वकर्मा आदि ने संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन भवनाथपुर प्रखंड सचिव श्री राकेश कुमार चौबे ने किया। कार्यक्रम में भवनाथपुर अध्यक्ष श्री सुजीत कुमार, खरौंदी प्रखंड के वरीय शिक्षक श्री यशवंत प्रसाद, सेवानिवृत्त शिक्षक श्री कृष्ण विश्वकर्मा, महिला शिक्षिका प्रियंका रानी, मीना पांडे, विभा पाठक, उर्मिला कुमारी, सुनीता बाड़ा, श्री कामेश्वर विश्वकर्मा, ब्रजमोहन पांडे, मनोज दास, मंगलेश सिंह, चंद्रिका पाल, कमलेश पाठक, किशोर कुमार, दिनेश प्रजापति, रामचंद्र राम उपाध्यक्ष, अखिलेश्वर पाठक, रामनंदन बेटा, अमरेंद्र कुमार, शादाक आलम सहित सभी शिक्षक उपस्थित थे। अब प्रयोग पर प्रयोग हो रहा है, उसी प्रयोग की कड़ी में देखिए अभी आए ना कि 9:50 में आप जाइए विद्यालय और 4 बजे छोड़िए बच्चे भले 3 बजे चल जाए। यह स्थिति है। आने वाले समय में सरकार आपको प्राइवेट सेक्टर में देने की ममता बना रही है, देख रही है कि संगठन कहिए भागे। अभी वो प्रगतिशील शिक्षक संघ बन गया, अभी बहाली हुई थी 15 में कुछ लोग, कहा है कि उनके साथ शिक्षक नहीं है, लेकिन एक संगठन बना लिया। 94 में अखिल झारखंड की उत्पत्ति हो गई, अखिल झारखंड कहीं नहीं है, ये बस है तो झारखंड तक, और झारखंड में भी नहीं का अपना कोई कार्यालय है न कोष है, बस झोला है इनके साथ, झोला से ही जो है संगठन उचराने का काम करते हो। ऐसे लोग सावधान रहिए। मैं कहता हूं कि अगर हम शिक्षक के नेता हैं तो शिक्षकों की समस्याओं के लिए हमें रात दिन सोचना होगा और वह समस्या कैसे खत्म होगा उस पर विचार करना होगा, उसकी लड़ाई लड़नी होगी, तब कहीं जाकर हम समस्या से निजात पा सकते हैं। सरकार तो चाहती है कि हम पीछे जाएं। आप ये नहीं जो आप हाजिरी बनाते हैं, क्या है उसका कैब से और किसी भी भाग में नहीं है, लेकिन प्रयोग आपको हुआ है। शिक्षक का सम्मान सरकार के पास नहीं के बराबर रह गया है, सबसे ज्यादा अविश्वसनीय हम हो गए, बाकी कार्यालय कर्मी कहां बना रहा है हाजी। हाजी जैसे बनता था वैसे बनता, लेकिन हम उस टाइम के माध्यम से अपनी हाजी बनाए, 8:50 में जाए, 4 बजे लौटे। इसी बात को लेकर 5 तारीख को हमारे बहन भतीजी की शादी थी, लेकिन एक आवश्यक बैठक हुई जाती में इन्हें आपको आना है, चाहे जैसे आप आइए, महत्वपूर्ण बैठक है, इसमें निर्णय लिया जाना है। मैं गया रात में, आया शादी में शरीक हुआ, रात में मैं 10 बजे रात में पहुंच गया घर पे, लेकिन उस काम को उसी दिन निर्णय लिया गया। हमने ये इस प्रस्ताव को दिया कि आप जल्दी से जल्दी इस पर जो है ठोस निर्णय लीजिए। राज्य कार्य समिति की बैठक थी, जिले के सभी पदाधिकारी वहाँ उपस्थित थे। हमने जोर दिया 17 तारीख को किसी भी स्थिति में राजभवन को घेरा जाए ताकि सरकार की निद्रा खुले। तो मैं आप तमाम लोगों से यह कहना चाहता हूं कि जब तक मैं जिंदा हूं, स्वस्थ हूं, मैं आपकी सेवा तत्परता से करता रहूंगा। अभी जो
एक टीचरों का जो फिक्सेशन हुआ, 3 महीने से पढ़ा हुआ था कार्यालय में, मेरा जो आपके बीओ भी गए थे, बीओ को भी आई थी, मैंने मन से ही कहा बीओ को कि आप अभी घोषणा कीजिए किस कहिया आप कर रहे हैं फिक्सेशन, काहे पढ़ा हुआ है कार्यालय में, आपको तो कर देना चाहिए, आप प्रभार में है, ठीक है आपका बालक पदाधिकारी, लेकिन प्रभार में तो है ना, या तो प्रभार छोड़ दीजिए आप। रांची एल्युमिनियम वर्कशॉप, एल्युमिनियम से संबंधित सभी प्रकार के कार्य किए जाते हैं। हमारा पता है कचहरी रोड ब्लॉक के सामने, नगवा वार्ड नंबर 8, गढ़वा, झारखंड। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती। विश्रामपुर नगर परिषद अध्यक्ष पद के भावी उम्मीदवार मुंशी प्रसाद गुप्ता। हरि ओम साड़ी सेंटर, स्टेशन रोड, रेहला, पलामू। भरोसेमंद रेडीमेड कपड़े की दुकान। हमारा संपर्क नंबर है 9608574673। लुभी है जहां, पानी है वहां। अधिकृत विक्रेता श्री लक्ष्मी इलेक्ट्रिकल्स, लक्ष्मी मार्केट, सही जना मोड़, गढ़वा।